लखनऊ के हजरतगंज इलाके में रैन बसेरे में घुसी कार, चार लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। कार में पांच लोग थे सवार। लोगों ने कार के ड्राइवर समेत दो लड़कों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। गिरफ्त में आया एक शख्स पूर्व विधायक का रिश्तेदार। हजरतगंज पुलिस ने कार हादसे में पकड़े गए दोनों आरोपियों के नशे में होने का किया दावा। हादसे में मारे गए सभी बहराइच के रहने वाले। ये दो लड़के हैं, एक आयुष रावत है और एक निखिल अरोड़ा है, और इनको पकड़ लिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह यादव, कोई मतभेद नहीं होने की कही बात। आज दिल्ली पहुंचेंगे मुलायम और शिवपाल यादव, चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा ठोकने के लिए चुनाव आयोग को सौंप सकते हैं दस्तावेज। अखिलेश कैंप ने कल चुनाव आयोग में किया था दावा। रामगोपाल यादव ने 205 विधायक के समर्थन का हलफनामा सौंपा। हलफनामे में 56 एमएलसी का भी समर्थन का दावा। अखिलेश के पक्ष में पार्टी के ज्यादातर सांसद। अखिलेश के समर्थन में 74 जिलों के डेलीगेट्स के व्यक्तिगत हलफनामे आयोग पहुंचे। 1.5 लाख पन्नों को 7 कार्टन में भरकर चुनाव आयोग में कराया गया रिसीव। सुलह की आखिरी कोशिशों के बीच लगातार बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी। शनिवार को लखनऊ में मुलायम से मिले पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुलह की कोशिश के तहत नगर विकास मंत्री आजम खान ने की मुलायम से मुलाकात। 3 घंटे की बैठक के बाद भी नहीं निकला रास्ता। मुलायम और अखिलेश के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर अटकी बात। अखिलेश चुनाव से पहले अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव चुनाव के लिए तैयार, सूत्रों की माने तो पार्टी का घोषणा पत्र तैयार। 10 जनवरी के बाद कभी भी जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की भी खबर। सूत्रों के मुताबिक 10 जनवरी को अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से हो सकती है मुलाकात। विवादित बोल पर सांसद साक्षी महाराज पर मेरठ में दर्ज हुआ केस। अयोध्या में विवादित ढांचे को और जनसंख्या को लेकर मुस्लिमों पर आपत्तिजनक टिप्पणी।